अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। आज हम बना रहे हैं दिल्ली वालों का पुलाव बिरयानी। आप इसको ये भी कहिए, जो भी कह सकते हैं, ठीक है, पुलाव बिरयानी ही है वैसे। क्या हम बना रहे हैं मटन की, तो मैं आपको यखनी के इंग्रेडिएंट्स नोट करवा रही हूँ, वो आप कर लें। उसके बाद जब इसकी ग्रेवी बनाएंगे तो मैं आपको दिखाऊँगी। सबसे पहले हमने इसमें डालना है यखनी के लिए 1 अदद दरमियाना प्याज, 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और 2 टेबलस्पून सौंफ है, 2 टेबलस्पून सूखा धनिया साबत, 1/2 किलो गोश्त है बकरे का, और ये है 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक कूटा हुआ, क्योंकि इसकी खुशबू बहुत अच्छी आई है अगर हम खोल के डालेंगे, ठीक है। और इसमें है 5 से 6 अदद काली मिर्चें, 6 से 7 अदद लौंग हैं, 2 से 3 टुकड़े दालचीनी के, 2 बड़ी इलायची, 1 टेबलस्पून नमक और 3 से 4 पत्ते तेज़पात के, ठीक है। हम रेडी करते हैं इसको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले सबसे पहले प्याज डालेंगे, फिर ये मटन 1/2 किलो जो आपको दिखाया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए, यखनी के लिए भी आपने 1 जग पानी लेना है, ये तो मैंने आपको बताया ही नहीं, यखनी के लिए 1 जग पानी लिया है, ठीक है। अब हम डाल रहे हैं सौंफ, अब ये डाल रहे हैं साबुत सूखा धनिया, इसको मसल के डालना है दोनों चीज़ों को, इसकी खुशबू बहुत अच्छी आएगी यखनी में। 1 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा और ये बाकी चीज़ें हैं साबुत गरम मसाले जो आपको दिखाए हैं, विद सॉल्ट, लहसुन अदरक का जो आपको बताया कूटा हुआ डालना है 2 टेबल स्पून। बाकी इसको हमने चावलों में भी डालेंगे, वो मैं आपको बताऊँगी। और चावल 1 किलो चावल और 1/2 किलो गोश्त, ठीक है, वो जब हम लोग आपको रेडी करेंगे तो मैं आपको दिखाती हूँ। चावलों की ग्रेवी के लिए जो मैंने लेने हैं ये वो हैं 6 अदद टमाटर हैं बारीक कटे हुए, लहसुन अदरक 1.5 चम्मच, दही की 1 प्याली, 1/2 किलो गोश्त, 6-7 हरी मिर्चें तिरछी कटी हुई हैं तेज़पात, और 8 से 10 काली मिर्चें, 3 दालचीनी, 1 बादियान का फूल, 4 इलायची और 4 लौंग। ये हम लोगों ने जो है वो मैंने लिया है तड़के का सामान। और ये यखनी तो मैंने आपको दिखाई थी, ये वो है रेडी हो चुकी है यखनी हमारी मटन की। अब मैं इसको बताती हूँ आपको कैसे बनाना है। 1 किलो चावल भी हैं रही, ये मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज बारीक काटे हैं, इसमें हमने डालना है 1/2 कप ऑयल, आधा कप ऑयल डालना है जिसमें ये अच्छी से फ्राई हो जाए। ये देखिए, अब ये हल्के सुनहरी रंग का जब हो जाए प्याज, जैसे ये हो रहा है अभी इस टाइम, हल्के सुनहरी रंग का होना चाहिए, ज़्यादा नहीं डार्क करना, कलर डार्क नहीं करना इसका, सुनहरी रंग है। ये कलर इसका चेंज हो गया प्याज का, अब मैंने इसमें ये डालनी है सारे साबुत गरम मसाले जो आपको दिखाएँ, इसमें गाय रहमान डालनी है। ये डालनी है मैंने, अब इसमें ये भी ऐड करूँगी तेज़पात, अगर हल्का सा दें मिलाएंगे कुछ वो तो अच्छी सी आए बहुत ज़्यादा। अब इसमें मैं ऐड करूँगी लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 चम्मच, फ्राई हो जाए लहसुन अदरक की स्मेल ख़त्म हो जाए बिल्कुल, और मसाले में अच्छी तरह खुशबू आ जाए इसकी, तो फिर मैंने इसमें इस टाइम पे ऐड करूँगी गोश्त।
मैंने इसमें ऐड करना है गोश्त। बिस्मिल्लाहिर्रहमान। अब इसको अच्छी तरह भूनना है ताकि धो जाए, अच्छी तरह फ्राई हो जाएगा ये भी। फ्राई हो जाए तो मैंने इसमें डालना है एक प्याली दही जो आपको दिखाई है, जिसमें डालेगा हमारे ये दही का पानी खुश्क हो जाए, फिर इसमें जो है ना टमाटो और ग्रीन चिलीज ऐड कर लें। हम थोड़े वेट करते हैं। अच्छा ये देखें, मैं इसमें देखने लगी हूँ, ये देखें दही का पानी खुश्क हो गया ऑलमोस्ट। अब मैं इसमें ऐड करूँगी टमाटो। थोड़ी देर इसको अच्छी तरह भूनेंगे। थोड़ी देर बाद इसमें ग्रीन चिली ऐड कर देंगे, इसमें लायरा खाने का। ये देखिए माशाल्लाह कितना प्यारा कलर आ रहा है, फिर इसका ग्रीन ग्रीन डार्क ग्रीन कलर है और रेड रेड टमाटर। अच्छी तरह भून लेंगे और इसके 10 मिनट बाद इसमें मैं यखनी डालूंगी जो मैंने आपको दिखाई है स्टार्ट में, तो कवर करके रख देंगे। अब अच्छा अब ये देखें जब मेथी और टमाटर तो किस तरह से बैठ हैं, इसमें मैं इस टाइम पे अपनी ऐड करूँगी ड्रेन कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरीके से ये सारा ड्रेन कर लेंगे। प्रेस कर लेना सब चीज़ों को, जब इसमें बॉयल आएगा तो इसमें एक टीस्पून ना कोरिएंडर पाउडर डालना है। ओके मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप में। जब पानी का बॉयल आ जाए इसमें जो है वो हमने डालना है 1 टीस्पून कोरिएंडर पाउडर। ये देखिए हम लोग डाल रहे हैं चावल, इसमें पानी उतना नहीं आना चाहिए। तो अभी हमने जब मैंने बताया था कि एक जगह एक लीटर है, उसमें हम लोग ये डाल रहे हैं 1 किलो चावल। सब चीज़ें ऐड कर ली हैं, स्पाइसेस वगैरह कोरिएंडर पाउडर भी मैंने आपको बताया। अब हम लोग इसमें चावल ऐड कर रहे हैं और लास्ट में आपको बताऊँगी पुदीने के पत्ते डाल के इसको दम देंगे।
देखें। अच्छा ये देखें, मैंने अभी ये रख दी है, इसमें चावल डाल दिए। अब हम लोग इसको ना थोड़ा कवर करके रख देंगे और 10 मिनट के बाद देखेंगे। कितना खूबसूरत आया हुआ है, टमाटर का कलर कितना प्यारा आ रहा है माशाल्लाह। हरी मिर्चों का कलर देखें, आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितना खूबसूरत कलर है। अभी इसको हम लोग लास्ट में जो है दम देंगे। आज थोड़ा सर्दी आ रही है सर्दी की वजह से। हम लोग आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह होंगे चावल, ताकि ये गले भी हों और खड़े खड़े भी नज़र आए। इसके लिए हम लोग इसको थोड़ा सा इसमें पानी रहने देंगे, ज़्यादा नहीं थोड़ा सा। ये देखें इस तरह इसमें है थोड़ा थोड़ा ना। अब मैं इसको दाने लगाने से पहले ये स्प्रिंकल कर दूँगी हरा पुदीना, ठीक है। सब कुछ रेडी है, उनके दाम के लिए रेडी है बिल्कुल। इसको मैं दम दे रही, ठीक है, और 30 मिनट के बाद हम इसको दिखाएंगे आपको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें माशाल्लाह कितनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी और आपको दिखाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखें कैसे निखरे निखरे चावल हैं। ये देखें माशाल्लाह ज़बरदस्त कलर आ रहा है चावलों का, हर चीज़ का अपना एक कलर है। ये देखें अभी रेडी टू ईट हैं। अब आप लोग खाएँ, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर करें मेरी रेसिपी, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। माशाल्लाह अल्लाह ताला सबके रिज़ल्ट में ही बरकत फरमाए, और आप लोग इसको जो है ट्राई करें और मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। बहुत इजी और बहुत टेस्टी है। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा जी ये देखिए मेरी रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कि आप लोगों को कैसी लगी मेरी रेसिपी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।